अबे ओ, ये गाड़ी तूने यहाँ क्यों खड़ी कर रखी है? तुझे दिखाई नहीं देता क्या यहाँ पर पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है? अरे तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या कि क्या बोल रही है ये? चुपचाप गाड़ी हटा यहाँ से। क्यों हटाऊं मैं गाड़ी? क्योंकि ये जगह ना हमारी है और हमारी परमिशन के बिना यहाँ पर कोई और गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता, समझी? अब एक काम कर, इसको हटाएं यहाँ से जल्दी। वैसे तो शार, इसकी शक्ल देख ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर पर झाड़ू पोछे का काम करती होगी। मुझे तो लगता है ये जो सामने वाला घर है ना, यहीं पे ही झाड़ू पोछा करने आती होगी। तुम लोग कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो वैसे? ज्यादा? अरे अभी तक तो हम लोगों ने तुझसे कुछ बोला ही नहीं है। बस एक बात तो है, तूने हमारी सोसाइटी में आके ना हमारी पूरी सोसाइटी गंदी कर दी। अब तेरे चक्कर में ना हमें ये पूरी सोसाइटी साफ करवानी पड़ेगी। देख, एक काम कर, गाड़ी हटा यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट तो कर मत, बार बार बोल रहे हैं। मेरा ड्राइवर अभी किसी काम से गया है, जैसे वो आएगा मैं हटा दूंगी गाड़ी। क्या ड्राइवर? वैसे एक बात है, ये गाड़ी ना कहीं से भी तेरी लगती नहीं है। मुझे लगता है इसने ये गाड़ी कहीं से चोरी की होगी। मुझे तो लगता है ये किसी गांव से उठ के आ गई, काम मांगने आई होगी शहर। तुम दोनों को तमीज नहीं है क्या बात करने की? हाँ नहीं है मैं तमीज, अपनी तमीज ना अपनी साड़ी के अंदर रख। अब क्या तू हमें तमीज सिखाएगी कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हमें ना ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपनी गाड़ी हटा, जो बोल रहे हैं वो कर। अरे भाई साहब, ये गाड़ी आपकी है क्या यार? इसे जल्दी हटवाओ, मुझे अपनी गाड़ी निकालनी है पीछे से। अरे भाई साहब, हम खुद इतनी देर से यहाँ खड़े हैं, हमें अपनी गाड़ी भी पार्क करनी है, ये पता नहीं किसकी गाड़ी है। भैया आप प्लीज 5 मिनट वेट करो, जैसे मेरा ड्राइवर आएगा मैं हटवा दूंगी गाड़ी। ठीक है मैडम, थोड़ा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। अबे ओ डफर, हम लोग इतने पागल नहीं है जो 5 मिनट तक यहाँ पे खड़े रहेंगे, वो भी तेरी गाड़ी का वेट करने के लिए। चल निकल यहाँ से। अबे अब क्या तेरे ड्राइवर के आने का वेट करें हम? अगर वो 5 घंटे में आएगा तो 5 घंटे यहीं खड़े रहेंगे क्या हम लोग? गाड़ी को हटा जल्दी, वरना करूँ पंचर इसको। तुम लोगों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या बात करने की? तुम लोग पढ़े लिखे भी हो या गवार हो? क्या खड़ी खड़ी होगी बहस करे जा रही है? तुझे पता भी है कि इसके पापा कौन है? अगर पता चल गया ना तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ मेरे पापा ना इस पूरे एरिया के इंस्पेक्टर हैं, और उनसे बोल के ना मैं तुझे अंदर भी करवा सकती हूँ, और जेल में ना चक्की पीसती रह जाएगी पूरी जिंदगी। और हाँ रही बात पढ़े लिखे होने की, तो कल ना मेरा IAS का एग्जाम है, एक बार मुझे क्लियर करने दे, उसके बाद ना ये पूरी सोसाइटी साफ करवा दूंगी मैं। चले मैडम। अरे सर आप इसको मैडम क्यों बोल रहे हो? मैडम? ये कहीं से मैडम तो नहीं लग रही, लेकिन काम वाली बाई जरूर लग रही है। अरे आपको पता है ये कौन है? अरे हाँ सर, साफ साफ तो दिख रहा है, हुलिया ही देख लो, ऐसा लग रहा है गांव से उठ के आई है, काम को मांगने आई होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मैं तो कह रहा हूँ उसको चपरासी की ना कहीं नौकरी दिलवा दो आप। यही शहर की IAS ऑफिसर हैं, आपके पापा भी इनके अंडर काम करते हैं। हो गया तुम लोगों का, अब मैं बोलूं? अगर मैं साड़ी में नहीं होती, यूनिफॉर्म में होती, तो तुम लोग मेरी बहुत इज्जत करते। सीरियसली तुम लोग मुझे साड़ी से जज कर रहे हो? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हमारी भारतीय सभ्यता में सबसे पहले साड़ी पहनना ही सिखाया जाता है, और हमारी भारतीय संस्कृति में भी तो यही सब लिखा हुआ है। I'm so sorry मैम, मुझे नहीं पता था कि आप इस शहर की IAS ऑफिसर हैं, अगर पता होता तो कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं करती मैं, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। तुम लोग अभी मुझे सॉरी बोल रहे हो क्योंकि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, चलो मान लेते हैं, पर अगर यहाँ पे कोई नॉर्मल लेडी होती तो तुम तो उसकी बहुत इंसल्ट करते कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इज्जत करना नहीं सिखाया। बहुत ही शर्म की बात है कि तुम कपड़ों से लोगों को जज करते हो। अरे मैडम प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, जाने जाने हमने पता नहीं आपको कितना बुरा बुरा बोल दिया, प्लीज़ हो सके तो वी आर रियली सॉरी। अब सॉरी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ एक बात और, ये बात तो तुम जानते ही होगी कि जब IAS बन जाओगी तो तुम्हें साड़ी वेयर करनी पड़ेगी, पर तुम्हें तो साड़ी वेयर करने में शर्म आएगी, तुम कैसे साड़ी वेयर करोगी? जब तुम अपनी साड़ी ही नहीं संभाल पाओगी तो जॉब क्या खाक संभालोगी? चले मैडम,